पूरी मुस्लिम दुनिया की तरह अमरीका की तमाम रियासतों में भी फरजंदाने तौहीद ने ईद उल अज़हा बड़े मजहबी जोशो खरोश से मनाई। इस सिलसिले में न्यू जर्जी के शहर टीनिक में ईद कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम टीनिक आर्मरी के वसी और इस हाल में नमाज ईद का अहतमाम किया गया, जिसमें पूरी न्यू जर्जी समेत करीब व जवार की रियासतों से भी मुसलमानों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ईद उल अज़हा की अहमियत, फर्जियत और गर्जियत पर तफसीलन रोशनी डाली गई और सुन्नत इब्राहिमी की तकलीद में कुर्बानी के फलसफे को बयान किया गया। हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी रजा की खातिर कुर्बानियां करने की तौफीक नसीब फरमा। सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझते हुए इसको अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। वी आर गैदर हियर ऑन द ग्लोरियस डे ऑफ ईद Eid al-Adha. It's the message and lesson behind it is to sacrifice and take care of others, especially the needy ones, the one who are not that fortunate. We celebrate Eid al-Adha because this is our recognition of Ibrahim al-Islam, who was the monotheist. अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से राबता किया कि ये हमें अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे इस सिलसिले में साबर पाएंगे। हम लोग ईद अपने अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सब मिलजुल के यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। काफ़ी रौनक है माशाल्लाह यहाँ पर, और बच्चों को भी मौका मिलता है अपनी कल्चर सीखने का, नमाज भी पढ़ी जाती है और सबसे मुलाकात भी हो जाती है। We visit family, friends and spend time with each other. Yeah, we go to family's house. ईद उल अज़हा के मौके पर मैं अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैमरामैन रफीक के साथ गुलफाम खान रिपोर्टिंग फॉर एक्सप्रेस न्यूज़, न्यू जर्सी।